Now, students, the next exercise is 9.2. Find the product of the following pair of monomials. Monomials के जो product है इन्हें find करना. How to find the product of two monomials? Let's start. चलिए शुरू करें. Here, mathematics. And exercise 9.2, question number 1. In our first question, here, first number is the 4 into 70. Here you have 4 into 70 is equal to. अब इसमें product करते समय monomial में monomial को पहले तो आपको बता दूँ. नंबर्स का नंबर्स में पहले हम जो है प्रोडक्ट कर लेते हैं. तो यहां पर हो जाएगा 28. दिस इज अ 28 और पी सिंगल है तो केवल पी को यहां पर हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. नंबर्स नंबर्स का पहले प्रोडक्ट कर देना और जो बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी जो है वहां पर साथ में इंटू में लिख देना. इंटू में लास्ट में कोई साइन नहीं लिखा जाता है. इंटू का मतलब यहाँ दो नंबर्स के या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में कोई साइन नहीं है. इसका मतलब है कि वहां पर क्या माना जाएगा, वो प्रोडक्ट. ठीक है, अगला हमारे पास जो मैं आपको बता रहा हूं उसको देखें. माइनस 4p इंटू 7p, ये जो है फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट माइनस 4p इंटू और अगला है 7p इज इक्वल टू. तो देखिए, पहले तो मैंने आपको साइन का बताया था कि प्रोडक्ट करते समय कल भी लिखवाया था, मैं आज भी लिखवाएगा हूं कि प्लस का जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में तो हमेशा क्या मिलता है, प्लस मिलता है. ठीक है, माइनस का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में तो हमें माइनस मिलता है और प्लस का जब भी मल्टीप्लाई करें माइनस में तो भी माइनस मिलता है और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो हमें जो है ऑलवेज बी प्लस मिलता है. तो ये साइन का जो रूल है इस रूल को हम जो है हमेशा फॉलो करेंगे. और यहां पर देखिए 4 का 7 में तो पहले माइनस है फिर प्लस है तो माइनस प्लस मिलकर माइनस हो गया. 7 4 28, पी यहां वन टाइम है, पी यहां पर वन टाइम है. मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ दिया जाता है, मल्टीप्लाई में लाइक करने पावर को ऐड कर दिया जाता है. यहाँ पर पी है तो हो जाएगा यहाँ पर पी का स्क्वायर. दो बार पी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पर हो जाएगा पी स्क्वायर. अगर ये तीन बार हो रहा होता तो पी का क्यूब लिखते तो हम इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं. फिर इसके बाद मैं इसके जो थर्ड पोर्शन को मैं एक बार दिखाता हूँ, सभी बच्चे नोट करते रहे. थर्ड है, थर्ड इसमें लिखा है माइनस फोर पी इंटू 7p³. अब देखिए बच्चों ध्यान से, जब हमारे पास ये भी एक मोनोमियल है 4p भी और एक और मोनोमियल है हमारा 7p³. एक भैया जो है जिन्होंने अभी इनका नाम स्पष्ट नहीं, पहले वीडियो ऑन करें बेटा, जो उसको क्वेश्चन पूछना है जिन्होंने हैंड रेज किया है, क्योंकि नाम भी कुछ और लिखा हुआ है. जब तक ये नहीं होंगे इनको रिमूव कर देंगे बेटा. ये जो भी स्टूडेंट है कृपया फर्स्ट वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करने के बाद ही वे क्वेश्चन पूछेंगे, अदरवाइज उनको जो है रिमूव किया जा रहा है. चलिए, तो इनको जो है ये पहले तो क्लियर नहीं होगा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये 8th B के हैं. भैया उनका नाम क्या है, अपना नाम लिखिए बेटा और पहले अपनी वीडियो ऑन करें. आप कुछ जो है चाइनीज लैंग्वेज में कुछ नेम लिखा हुआ है तो लैंग्वेज जो है बहुत ही, ये अपने देश की लैंग्वेज होनी चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए. और चलिए, तो अभी हमारे पास जो है, अब यहां देखो ऐसे क्वेश्चन में नंबर्स का नंबर में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, साइन देखते हैं, निगेटिव साइन प्लस साइन तो निगेटिव साइन हो गया. 4 का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 28. अब पी यहाँ पर वन टाइम है, पी यहाँ पर वन टाइम है, यहाँ हो गया पी का स्क्वायर. क्यू एक बार है तो क्यू भी लिख देते हैं, छोड़ते हैं किसी को नहीं है, सबको बारी बारी से सीक्वेंस में हम जो है उन्हें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू को रखते हैं. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके फोर्थ पोर्शन की. द फोर्थ वन इज हियर, द फोर्थ वन इज 4pq
और दूसरा है माइनस थ्री पी इंटू माइनस का थ्री पी। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव साइन निगेटिव होता है, फोर थ्री जा तो फोर थ्री जा हमारे पास ट्वेल्व हो गया और p यहाँ पर थ्री टाइम है और p यहाँ पर वन टाइम है, तो थ्री और वन मिलकर के क्या हो जाएगा p की पावर में फोर। तो हम जो है इस तरीके से हम जो है प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में हम पावर को ऐड कर दिया जाता है, जिसके पावर कुछ नहीं होती है उसकी पावर को वन मानते हैं और जिसकी पावर है तो उस पावर को साथ में वन को ऐड कर देंगे तो ये रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। ठीक है बेटा। और एक और थिंग मैं बताता हूं कि अगर कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो, कितना भी बड़ा प्रोडक्ट हो, उसमें अगर कहीं भी जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इफ वी मल्टीप्लाइड बाय जीरो द होल प्रोडक्ट विल बी जीरो। ओके, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट में हमने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो लगते ही सब कुछ वो जीरो कर देता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो है नंबर इज फिफ्थ इज यानी क्या है फोर पी और इनटू यहाँ पर जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हमने इसके पांच के पांच पोर्शन जो है आपको यहाँ पर बताए और यहाँ पर मैंने जो है इसे आपके सामने यहाँ पर लिख दिया। कुछ मैं एग्जांपल आपको जो है खुद से सॉल्व करने के लिए नीचे लिख दे रहा हूँ, ये बुक के क्वेश्चन थे, अब मैं कुछ अपनी तरफ से मैं कुछ लिख दे रहा हूँ जिनको जो है ऐसे ही मैं चार क्वेश्चन और दूंगा जिनको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए मैं आपको यहीं पर इसी में मोनोमियल का एक होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें हमारे पास फर्स्ट है यहाँ पर 3p स्क्वायर क्यू कॉमा और यहाँ पर हमारे पास जो है 4q स्क्वायर, सेकेंड है 9a और कॉमा 10a स्क्वायर और इसके बाद थर्ड है 7ab कॉमा 7a स्क्वायर b क्यू और फोर्थ है यहाँ माइनस का ये n कॉमा और ये 32n की पावर 5। तो ये हमारे पास जो है ये हमने जो है फोर प्रोडक्ट लिखे हैं, ये सभी आप अपने होमवर्क में कॉपी पर आप खुद से इनको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि आपको ये आ रहा है कि नहीं। जैसे हमने फर्स्ट किया वैसे ही मैंने जो है चार एग्जांपल आपको काम के रूप में दिए हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये अभी जो हमने सीखा दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल टू मोनोमियल, मोनोमियल से मोनोमियल में प्रोडक्ट करने को हमने यहाँ पर देखा। अब हमारे पास जो है हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट वन इज हियर लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल with the following pair of monomials as their length and the breadth। तो आप बच्चों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है टू के बारे में, क्वेश्चन टू में कहा गया है कि length is equal to दूसरा है breadth equal to तीसरा है area is equal। तो एरिया हमारे पास जो है हमें निकालना है, तो इसमें से मैंने फर्स्ट आपको लिखा है लेंथ है t, ब्रेथ है q, तो एरिया हमारी क्या हो जाएगी l into b that is equal to p into q, हमने जो है p और q का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास एरिया हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही ये हमारा फर्स्ट था और इसी तरह से हमारे पास जो है फिर से सेकेंड पार्ट देखते हैं, एल कितना दिया गया है, एल दिया गया है 10m, बी दिया गया है हमारे पास जो है 5n, तो हमें a निकालना है l into b is equal to 10m into 5n is equal to 10 5 जा 50 और mn, तो ये हो गया m और n, ये हमारे पास आंसर है। तो इसको हम आसानी से जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगला रेक्टेंगल जो दिया गया है थर्ड रेक्टेंगल, ये हमारा सेकेंड था और ये हमारा फर्स्ट था और द थर्ड रेक्टेंगल इज एल एंड बी एंड ए, लेंथ हमारे पास कितनी दी गई है उसको देखिए, लिखा है 20x स्क्वायर और b दिया है 5y स्क्वायर, यह हो गया l into b is equal to 20x स्क्वायर into 5y स्क्वायर। अब देखो बच्चों
नंबर्स का नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, अलजेब्रिक का अलजेब्रिक में मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो है रूलिंग है। तो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 20 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, तो 25 जा कितना हो जाएगा, 25 जा 100, तो यहां हो जाएगा दिस इज अ 100, x है x स्क्वायर, y है y स्क्वायर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जो हमारे पास we have a third rectangle which length is 20x square, breadth is 5 by square, then area of rectangle is length into breadth is equal to 20x square into 5 by square, that is equal to 100x square y square is your required answer. Next one is students, हमारे पास जो है next है हमारे पास code. The fourth one is here in fourth, there are 4x length is equal to 4x, 4x and breadth is equal to b is equal to 3x square, 3x square area is equal to length into breadth, 4x into 3x square, 4 3 are 12, x और x square that is equal to x cube is your required answer। देखो बच्चों, अब मैं थोड़ा सा जो है इसमें ये हमारे एक भैया हैं, ये जतिन सिंह, जतिन सिंह बेटा कुछ सुन रहे हैं बेटा आप मुझे, जतिन सिंह बोलिए, मास्टर जतिन सिंह, हाँ ये कुछ लग रहा था कि उन्होंने जो है स्काउट से प्रेरित होकर के टेंट हाउस बना रहे थे, टेंट वगैरह लगा रहे थे शायद जो है, जैसे हमारे स्काउट में बच्चे जो है बाहर जो जाते हैं जंगलों में जाते हैं वहां पर जो है स्काउट होते हैं सरवाइव करने के लिए अपने लिए जो टेंट वगैरह बनाते हैं, तो वे घर में कुछ ऐसा प्रयास कर रहे थे, तो वो मैंने जो है अभी उनको थोड़ा सा टोका है। तो पढ़ते समय केवल पढ़ाई का काम, टेंट नोट का काम बाप भी कर सकते, ठीक है, तो पढ़ते समय केवल पढ़ाई का काम होना चाहिए। और अगर आपको आ रहा है बोलना चाहते हैं तो हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप जो है अपने क्वेश्चन को उससे पुट अप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद लास्ट में जिससे बोलूंगा वो मुझे मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं अभी आप देख रहा हूँ बीच में कुछ बच्चे रिलैक्स हो जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा मुझे जो है जगाने की जरूरत है। तो अब हम बात करते हैं हियर अब फिफ्थ वन इज, जिससे पूछूंगा वे हमें बताएंगे आंसर, 3mn, l is equal to 3mn और b is equal to here 4mn, 4mn sorry to say this is the n and p and we have to find the area। तो अभी बच्चों थोड़ा सा मैं एक सेकंड में थोड़ा सा जिनसे बोलूंगा वे जो है, हाँ गौरांश कुमार आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा, मास्टर गौरांश, गौरांश अनम्यूट योर सेल्फ, नहीं सुन पा रहे हैं। ध्रुव राजपूत कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा? सर सर 12 एन एन 12 एंड एन का स्क्वायर एमपी, 12 एम एन का स्क्वायर पी, बहुत सुंदर। प्रणव तिवारी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर 12 एम एन स्क्वायर पी, बहुत सुंदर। चलिए अभी जतिन सिंह, जतिन सिंह, क्रिस छिल्लर, क्रिस छिल्लर, क्रिस छिल्लर को लग रहा मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, और क्रिस छिल्लर आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? क्रिस छिल्लर आर यू लिसनिंग, आर यू लिसनिंग, ये कुछ लग रहा है पीछे बैकग्राउंड लगाया इन्होंने, चाय के बगानों का जो है बैकग्राउंड लगाया है, आसाम और दार्जिलिंग के चाय के बगानों में वो लग रहा है थोड़ा सा इस समय मूवमेंट घूम रहे हैं। तो इस तरह से बेटा जो है स्क्रीन सेवर की बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, आप जो है इसको ना लगाएं। तो यहां पर देखिए बच्चों, आपने सही बताया l into b that is equal to 3mn और into 4mp that is equal to 12mn square, n दो बार है n square and p, ये this is your required answer।
तो हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करना था, और प्रोडक्ट में जो है आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर जितनी बार है उसकी पावर उतनी लिख दी गई, ठीक। तो ऐसे ही हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। हाँ यस, तेजस चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। तेजस भैया बोलिए। टॉम एंड जेरी का इन्होंने कुछ देखी है पीछे बैकग्राउंड? बच्चे जो है थोड़ा सा ये कुछ इंटरेस्टिंग जो है क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तेजस चौधरी आप सुन पा रहे हैं मुझे? कुछ लग रहा है उनकी नेटवर्क इशू है जिस वजह से जो है। तेजस चौधरी यस यस बोलिए सर, अनम्यूट योर सेल्फ। चलिए तो अभी हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल पर हम ध्यान देते हैं। और यहाँ पर इस टेबल में, यहाँ पर मैं टेबल बनाता हूँ, मैं आप लोगों से पूछूंगा उस टेबल को मैं भरूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर थ्री है, यहाँ हमारे पास पहला है 2x, 2x का हमने जो है इस तरह से एक टेबल बनाया। फिर इसके बाद -5y का एक टेबल बना दिया हमने इस तरीके से, एंड ये 3x स्क्वायर, और जिनसे मैं कहूंगा भी बताएंगे, 4xy माइनस का 4xy, और साथ में यहां पे 7x स्क्वायर वाई, ये जो है ये हमारे पास है 7x स्क्वायर वाई, और इसके बाद -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहां पर तो ये हमारे पास इस तरीके से एक टेबल फॉर्म है। अब बच्चों यहां पर जो लिखा गया है 2x, फिर इसके बाद यहां पर -5y, एंड हियर 3x स्क्वायर, फिर इसके बाद -4xy, और यहां पर 7x स्क्वायर वाई, एंड अगेन हियर -9x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसमें बच्चों मैं आपको थोड़ा सा आपको मैं मार्गदर्शन गाइड करना चाह रहा हूं कि इस वाले में आपको जो है एक चीज का ध्यान रखना है, रो और कॉलम को टैली कराना है। रो कॉलम को टैली कराना है तो पहले जो है यहाँ वाले हम जहाँ मैंने जो है एरो बना रखा है, निशान लगाया है, इस स्थान पे जो है यहाँ पर बुक में कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ पहले, फिर मैं पूछूंगा। 4x स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है और एक लिखा है 15, तो ये हमारे पास 5 है और ये हमारे पास 15x स्क्वायर वाई, ये दिया गया। अब ये आपके रेफरेंस के लिए दिया गया है, तो अभी जिनको जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये बताना है आपको। मैं यहाँ पर स्टिक लिया हूं और स्टिक से मैं इंडिकेट करूंगा इस स्थान पर क्या भरेंगे हमारा, यानी कि इसके जो है ये रो है और ये कॉलम है, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करके यहाँ भरा जाएगा। कौन मुझे बताएगा? मुकुल पंत भैया बताए। सर ये लिखा जाएगा -10yx, -10yx या xy भी कह सकते हैं, माइनस का 10xy, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस प्लेस पर क्या भरा जाएगा कौन मुझे बताएगा? यहाँ पर सर एक मिनट, ये यहाँ पर क्या भरेंगे हम? प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो यहां भरा जाएगा। ध्रुव सर आप लग रहा म्यूट है, ये यस मेरी बात से बोल दो, अनम्यूट करिए अपने को। हां कोई सर 6x³, 6x³, चलिए ठीक है, ये भी सही है 6x³, ठीक है। इसके बाद ये वाले प्लेस पर क्या भरा जाएगा? यहां पर एक भैया है हमारे, ये सुप्रज्ञ सॉरी बोलिए बेटा, सुप्रज्ञ -8x² y, हाँ माइनस का 8x² y, और यहाँ उसके बगल में ये प्लेस है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा?
यहाँ बताएंगे जतिन सिंह, जतिन सिंह बताएं सर 4x2y 14 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर कैसे होगा बेटा, यहाँ पर एक एक्स है यहाँ पर 14x3y 14x3 हाँ 14x3y और ये बगल में ये प्लेस दिया गया है किसे को बताएंगे, तेजस चौधरी बता दे बेटा, तेजस चौधरी सर क्रिस शिल्लर बताएंगे, तेजस चौधरी क्रिस शिल्लर के आप पीछे नहीं पड़े, क्रिस शिल्लर से पूछूंगा मैं, तेजस चौधरी, प्रियांशु जोशी, यस सर हाँ बताइए सर, क्या लिखा जाएगा ये सर आपकी वीडियो, सर ये ऊपर क्या लिखा है सर, मेरी वीडियो क्लियर नहीं है सर, और यहाँ 2x है, यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस 9x2 सर, माइनस 18x3y वाई स्क्वायर, हाँ माइनस का यहाँ पर हो गया 18x3 और यहाँ पर y स्क्वायर, बहुत सुंदर, चलिए एक और मौका दे, हाँ ये जो है गुरु राजपूत को बोलना चाह रहे सर, अगर वहाँ पे सर x की वैल्यू स्क्वायर में नहीं होती और खाली x होता तो सर होल स्क्वायर हो जाता ना, हाँ बेटा होल स्क्वायर कर सकते थे, होल स्क्वायर नहीं करते लेकिन जो है यहाँ पे मान लीजिए कि ये दोनों है इसका दोनों सेम है तो सेम नंबर का प्रोडक्ट होता है तभी होल स्क्वायर लगता है, ठीक है ना, अलग अलग डिफरेंट है तो इनका प्रोडक्ट को ऐसा नहीं लगेगा, चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा है कौन बताएगा बेटा, माइनस 10x2 मैं थोड़ा सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसको आ रहा है पहले बोल सकता है, माइनस 10xy माइनस का 10xy माइनस 10xy ये प्लेस पर क्या भरा जाएगा, माइनस 25xy² ये प्लेस बचा है, इस प्लेस में क्या भरेंगे, और यहाँ पर क्या भरेंगे हम 35x³ ये नीचे यहाँ पर क्या भरा जाएगा बोलिए बेटा, 6x³ बहुत सुंदर, यहाँ पर क्या भरा जाएगा यहाँ पर क्या भरा जाएगा, x की पावर 4 बहुत सुंदर, 9x⁴ यहाँ पर क्या भरेंगे, -12x³y हाँ माइनस का 12x³y और यहाँ पर क्या भरेंगे हम सर 21x⁴y 7 का हम जो 3 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 21 आएगा बेटा, ये तो वही बोले x⁴y यस सर, और लास्ट में यहाँ पर क्या भरा जाएगा, -27x⁴ y की पावर 2 हाँ यस, यहाँ पे 27x⁴y² बहुत सुंदर, ये प्लेस खाली है यहाँ पर क्या भरेंगे, -8x⁴y हाँ यस, -8x⁴y और ये प्लेस पर क्या भरा जाएगा सर, 20x - y² यस ये हो जाएगा 20xy²
इसके बगल में ये क्या बना जाएगा सर? माइनस ट्वेल्व एक्स क्यूब सर वाई, माइनस का ट्वेल्व एक्स क्यूब वाई, इसके बगल में ये प्लेस है, यहाँ पर क्या बनेंगे सर? 16, 16 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। और सुंदर, 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नहीं आंसर देख कर नहीं बोल रहे आप लोग सर? नहीं सर, आप लोगों को नो सर, मेरे पास तो प्रोडक्ट नहीं है। चलिए ये प्लेस खाली है, यहाँ पर क्या भरेंगे सर? यहाँ पे सर सर 29 दीदी फैन का स्पीड तो कम कर तो नहीं सकते और लास्ट में यहाँ हम तो चल जाएंगे लेकिन बहुत सुंदर। तो बेटा देखो ऐसा है कि इसको मैं आगे कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, मैं इसे आप जो है कंप्लीट आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है? और मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स को ये जो है इस प्रोडक्ट आ गया है। तो अब इसमें जो है इस थर्ड क्वेश्चन में भी जो है ये आपके दो जो मैंने बता दिए जो खाली प्लेस है इनको आपको स्वयं से भरना है, ठीक है? इसको आप सेल्फ से भरेंगे तो आपको जो है महसूस होगा कि हाँ मुझे जो है मोनोमियल टू मोनोमियल प्रोडक्ट जो है करना आ चुका है, ठीक है? तो मैं जितने इसमें भर सकता था मैंने इसे भरवाया आप लोगों से, और बाकी जो है आप इसे खुद से स्वयं से भरेंगे। तो बच्चों आगे हम बढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में हम थोड़ा बता दें। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा गया है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस With the following length, breadth and height respectively. देखो बच्चों सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा कि हमने जो है आपको एक्टिविटी कराई थी वहां पर क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड? तो क्यूबाइड का वॉल्यूम हमने दिखाया था कि V is equal to length into breadth into height. हमारे पास length, breadth, height तीनों का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो we have वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, हमारे पास क्यूबाइड का वॉल्यूम जो है फाइंड हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ क्योंकि अभी जो है हमारे पास टाइम है और इसमें हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं पहले आपको बता दूं, हियर In this question, question number four में लिखा गया है पहले volume is equal to होता है L into B into H, तीनों का जब product करते हैं तो ये हमारा जो है volume find होता है। तो हमारे पास जो है number एक first दिया गया है, first दी L B H, L कितना है, B कितना है, H कितना है, और हमें वॉल्यूम L into B into H को फाइंड करना है। तो पहला हमारे पास हो गया 5A, ठीक है, 3A का स्क्वायर, और तीसरा है 7A की पावर 4। तो हमने जो है यहाँ पर इसको इस तरीके से बना दिया और अब इसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पर आपका 5A 3a स्क्वायर और 7a की पावर 4। तो पहले आप दो का प्रोडक्ट करिए, सबसे आसान तरीका ये होता है कि जैसे 2 का प्रोडक्ट, यानी हम 5 लीजिए कितना हो गया 15, 15 एक 1 बार है या 2 बार है, 1 का क्यूब इनटू 7a की पावर में 4। अपने जो स्टार्टिंग के दो नंबर को हमने पहले प्रोडक्ट कर लिया और बाकी बचे हुए को हम बाद में प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अब प्रोडक्ट के बाद जो है यहाँ पर देखिए 15 7 का 105 और a की पावर यहाँ 3 बार है, यहाँ पर 4 बार है, 3 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आसानी से हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास जो है मोनोमियल इंटू मोनोमियल इंटू मोनोमियल, हमने जो है 3 बार मोनोमियल्स का यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ये जो है मिल जाता है। ठीक,
अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिखता हूँ और देखता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स बता पा रहे हैं कि नहीं। सेकेंड पार्ट जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, हियर द सेकेंड वन इज एल इन बी एच एंड बी इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। द एल पोर्शन इज हियर द टू पी, टू पी एंड हियर द वैल्यू इज फोर क्यू, फोर क्यू एंड नेक्स्ट वन इज हियर द एट आर, एट आर। ये हमारे पास है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। जिसे आ रहा है वे अपना हैंड रेज करें, जिनको ये प्रोडक्ट आ रहा है वे वॉल्यूम हमें बताना है। अभी तेजस चौधरी बोलना चाह रहे हैं, तेजस चौधरी, जतिन सिंह, प्रणव तिवारी बोलिए सर, आप बोलिए इसका वॉल्यूम क्या होगा। सर क्या कर रहे हो? सर पता नहीं, पता नहीं, बहुत 64 PQ हैंड रेज आपने किया है लेकिन आपको पता नहीं हैंड रेज फिर किया क्यों है। ध्रुव राजपूत बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। सर पहले का है 64 PQR, 64 PQR, बहुत सुंदर बेटा, इन्होंने जो है सही बताया, बिल्कुल सही आंसर है 64 PQR। क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है देखिए नंबर्स है यहाँ पर 2p इंटू 4q इंटू 8r, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 8 8 64 64 PQR। ये हमारा जो है इसका इसका प्रोडक्ट हो गया, इसका आंसर हो गया। आसानी से हम जो है इसे जो है फाइंड कर सकते हैं। और हम जब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, थर्ड है, द थर्ड वन इज एल इंटू बी इंटू एच, द वॉल्यूम इज एल इंटू बी इंटू एच। द हियर द एल इज गिवन एक्स वाई, एक्स वाई 2x² y एंड 2xy² 2xy² अब इसे देखते हैं कौन बताना चाह रहा है, जो स्टूडेंट जो है बताना चाह रहा है यहाँ पर, ये जो है थोड़ा सा तो ध्यान से देखो बच्चों, जो हैंड रेज करें, तेजस चौधरी बहुत देर से हैंड रेज है आपका, बता सकते हैं आंसर बेटा? यस सर। हाँ सर आंसर बताइए, इसका क्या होगा प्रोडक्ट? कौन से क्वेश्चन का यानी क्लास में नहीं है सर? नहीं सर क्लास में था सर, दोबारा नेटवर्क इशू है सर। अच्छा, थर्ड वाला जो पोर्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसमें प्रोडक्ट क्या होगा वॉल्यूम? सर इसका प्रोडक्ट होगा सर 4, सर ये एक्स की पावर बी की क्या लिखी हुई है सर? एक्स स्क्वायर है बेटा, एक्स स्क्वायर है सर। सर एक्स 4 एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4। बहुत सुंदर, 4x की पावर 4 सर, वो सर्व नेटवर्क का इशू। हाँ, ये पिछली बार भी नेटवर्क का इशू था इसलिए नहीं सुनाई दिया था सर। इनटू 2x² y इनटू 2xy² नंबर नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, ये हो गया 4 और यहाँ पर x की पावर में 4 y की पावर में 4, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हम आसानी से इसमें जो है हम इसका आंसर दे सकते हैं। और एक लास्ट बचा हुआ है उसको भी मैं देख लेता हूं और पूछ लेता हूं ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड बचा हुआ है। तो बात करते हैं यहाँ पर द फोर्थ वन इज, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फोर्थ है एल इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू 2b एंड सी इज इक्वल टू 3c, वी इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। अब इसका वॉल्यूम कौन बताएगा इसमें? सर मैं बताऊंगा सर, प्लीज। ये हमारे पास प्रियांशु जोशी बोलना चाह रहे हैं, मैं बताऊं प्रियांशु जोशी, 6abc, बहुत सुंदर। दिस वैल्यू इज हियर a इनटू 2b इनटू 3c, 2 3 यहां हो गया 6, abc इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब बताइए जो मैंने आज समझाया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये पूछ सकता है। ये ध्रुव राजपूत बोलना चाह रहे हैं सर, वो पहले का था। अच्छा पहले का था। सिद्धार्थ कुछ बोलना चाह रहे हैं?
यस सर, सर वहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये जो अभी जो हुआ है सेवन सिक्स इसके जो नीचे है सर वहाँ पे x l is equal to x y है, b is equal to 2x square y है, h is equal to 2x y square है, तो सर ऐसे कर सकते हैं क्या? मतलब 2x है तो ऊपर भी x है तो 2x square हो जाएगा, तो square से square कट जाता है ना? नहीं, divide में कटता है बेटा ना, into में नहीं कटता ना। अगर इनको divide करना होता है तो ये कट जाता, multiplication में नहीं कटता। मल्टीप्लीकेशन में पावर लगती है और नंबर्स नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है। ओके okay? तो अभी जो है तेजस चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि आपने समझाया तो उससे डाउट हो गया सर, इम्पॉसिबल है डाउट। तेजस चौधरी कुछ बोल रहे हैं बेटा, मैं सुन नहीं पा रहा, आई कांट हियर यू। सर मैं कहते कि सर कोई डाउट नहीं, सर आपने पढ़ाया तो डाउट हो ही नहीं सकता। ओ, ये वाला ही तो आपने तो फिर